हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कृष्णा और आज मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए मफलर का डिज़ाइन ले कर के तो ये मफलर मैंने क्रोशिये से बनाया है बहुत जल्दी ये बन जाता है मैंने एक दिन में इसको बना दिया है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये जिसे कि बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं मतलब जिसको थोड़ा भी क्रोशिया चलाना आता है ना वो भी इसको बना सकता है बहुत ईजीली तो मैं इसे बताऊँगी आपको कैसे बनाना है तो आप वीडियो के एंड तक जुड़ीएगा मेरे साथ में वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो ये भी आप जरूर बताया करें मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ बेशक मैं थोड़ा सा लेट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ क्योंकि हाथ की चीज़ें होती हैं थोड़ा बनने में टाइम लेती हैं तो इस वजह से लेकिन मैं उसको बनाती जरूर हूँ मैं एक एक कमेंट को नोट करके रखती हूँ तो और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और अगर मैं कहीं पे कोई कमी रह जाती है जो कि आपको नहीं अच्छी लगती है तो वो भी आप मेरे साथ जरूर मुझे बताया करें कमेंट करके ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूं तो चलिए फिर देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने रखी है सिक्सटी इंच और उसमें टेसल्स जो हैं वो एड नहीं है टेसल्स अलग से हैं टेसल्स की जो लेंथ है वो है हमारी साढ़े तीन इंच ठीक है तो यहाँ तक मैंने इसकी जो लेंथ रखी है वो सिक्सटी रखी है और जो इसकी विर्थ आई है वो आई है आठ इंच तो ये परफेक्ट साइज है मफलर का ठीक है वैसे तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मफलर का कोई परफेक्ट साइज नहीं होता है तो जितना भी आपको पसंद है लंबाई चौड़ाई उतनी आप रख सकते हो तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहेगा मेरे साथ में चलिए फिर हम मफलर बनाना स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी तो ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है इसे बनाने के लिए मैं ये वाली वूल यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको इसे बता रही हूँ और इसमें कितनी वूल लगेगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी और ये दो क्रोशिये मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक दस नंबर का और एक बारह नंबर का तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये बारह नंबर के क्रोशिये से थर्टी नाइन चेन बना लेंगे ठीक है चेन हमें बनानी है थ्री के मल्टीपल में एक हो गई दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरह से थर्टी नाइन चेन में बना लेती हूँ अब यहाँ पर देखिएगा थर्टी नाइन चेन बना ली मैंने और अब हम तीन चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे एक, दो तीन और अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया तो ये जो थर्टी नाइन नंबर की चेन है ये वाली यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और ये लूप को हम बाहर निकालेंगे ठीक है एक फंदा बन जाता है इसको हम बाहर निकालेंगे अब हम दो का एक बनाएंगे फिर से दो का एक बनाएंगे तो इसे हम बोलते हैं डबल क्रोशिया तो पहले हम क्रोशिया में इस तरीके से धागा लेंगे और अब नीचे हर चेन में हम क्रोशिया डालते जाएंगे दो का एक बनाएंगे फिर से दो का एक बनाएंगे फिर से देखिएगा पहले हम क्रोशिया में इस तरीके से धागा लेंगे फिर ये जो नीचे हमने चेन बनाई है ये चेन के अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे धागे को बाहर निकालेंगे और अब हमारे पास यहाँ पर ये यह तीन हो जाते हैं तो तीन में से पहले हम दो को एक बनाएंगे, फिर से हम दो का एक बनाएंगे। तो ये होता है हमारा डबल क्रोशिया अब हम पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे देखिए तो अब ये जो हमारे स्टिच हैं ये थर्टी नाइन आएंगे क्योंकि हमने थर्टी नाइन की चेन बनाई है अब थर्टी नाइन प्लस एक हमें चाहिए एक्स्ट्रा तो जो हमारा एक्स्ट्रा है वो जो हमने यहाँ पर चेन ली है तीन की ये वाली ये हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो इसे काउंट करके हमारे पास ये देखिएगा इसे हम जब काउंट करेंगे तो हमारे पास जो स्टिच बनेंगे वो बनेंगे थ्री के मल्टीपल में प्लस वन तो एक तो हमारा ये बन ही जाएगा और जो हमें नीचे चेन लेनी है वो लेनी है थ्री के मल्टीपल में तो ये हमारी फाउंडेशन रो कंप्लीट हो गई है इसे मैंने बनाया बारह नंबर के क्रोशिया से ठीक है तो अब हम क्रोशिया चेंज करेंगे यहाँ पर अब हम इसमें लगाएंगे दस नंबर का क्रोशिया दस नंबर का क्रोशिया लगाने के बाद अब हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और आ जाएंगे नेक्स्ट रो में अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे देखिएगा फर्स्ट वाला हमारा जो है ये चेन के ऊपर चेन हाथी चली जाएगी और जो हमारा सेकेंड वाला है ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस तरह से और अब पूरा पैटर्न हमारा डबल क्रोशे से ही बनेगा एक चेन हम छोड़ेंगे दूसरी चेन में हम एक वी बना लेंगे वी हम कैसे बनाते हैं पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं फिर हम एक चेन बनाते हैं और फिर सेम जगह पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं वी अब हम फिर से इस बार हम दो चेन छोड़ेंगे एक दो तीसरी चेन के अंदर वी बनाएंगे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन लेंगे फिर सेम जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम पूरे पैटर्न में नीचे से दो चेन छोड़ेंगे इस साइड में और इस साइड में एक चेन छोड़ेंगे बाकी बीच में हम दो दो चेन छोड़ते हुए एक दो तीसरी चेन के अंदर वी बनाते हुए चले जाएंगे देखिए एक दो छोड़ेंगे तीसरी चेन में वी बनाएंगे वी कैसे बनाएंगे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे।, बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे नीचे से दो चेन छोड़ेंगे तीसरी चेन में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया सेम जगह पर बनाएंगे अब देखिएगा ये लास्ट वाला जो वी है इसके बाद हम नीचे एक चेन छोड़ेंगे और फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेम वैसे एक चेन छोड़ेंगे और एक हम बनाएंगे बिल्कुल लास्ट में तो लास्ट में हमारे जो दो हैं ये हमारे पूरा जो हमारा बॉर्डर बनेगा साइड में वो दो फंदों से ये चलता रहेगा हमारा ये देखिएगा तो ये डिजाइन हमारा सेट हो गया तो हमें इसी तरीके से इसकी जो चेन लेनी है वो इसी तरह से हमें लेनी है अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रो में तो क्या करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही हम बनाएंगे तो ये एक ही सिलाई का डिज़ाइन है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही अब हम सेकेंड रो भी बनाएंगे क्या करेंगे देखिएगा पहले हम तीन चेन लेंगे फिर हम इधर आ गए तो ये हो गई हमारी चेन के ऊपर चेन और ये हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर हम बना लेंगे डबल क्रोशिया ठीक है और अब क्या करेंगे देखिएगा अब ये जो हमने वी बनाया था इस वी के अंदर अब हम वी बनाते जाएंगे पहले एक डबल क्रोशिया बनाया फिर एक चेन ली फिर से सेम जगह से एक डबल क्रोशिया बनाया अब अगले वी में आ गए एक डबल क्रोशिया बनाया एक चेन ली और फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया अब अगले वी में आएंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट वी में एक डबल क्रोशिया एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट वी में डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया अगले वी में डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया देखें बस यही रिपीट करते हुए रहना है हमें देखिए अब हम आगे रोके लास्ट में अब फिर से हमें सेम यही करना है ये डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में चेन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ठीक है तो ये दो फंदे जो हैं ये हमारे बॉर्डर के लिए चलते रहेंगे दोनों साइड में और बीच में हमारा पैटर्न आ जाएगा फिर से देखिएगा एक बार अब नेक्स्ट रो में आने के लिए हम तीन बार चेन लेंगे तीन चेन बनाएंगे और देखिए ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी पैटर्न अब हमारा सेम रहेगा ये जो हमारा वी बना है वी के अंदर से हम वी बनाएंगे एक चेन एक डबल क्रोशिया वी के अंदर से एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर से एक डबल क्रोशिया तो यहां पर लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई है और लेंथ कंप्लीट हो जाने के बाद हम फिर से ये फाउंडेशन रो बनाएंगे जो हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया से ये फर्स्ट रो बनाई थी ये बॉर्डर है छोटा सा यही हम लास्ट में भी बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए फिर से मैं यहाँ पर लगाऊंगी बारह नंबर का क्रोशिया देखिएगा पहले तीन चेन बना लेंगे और अब डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी रो में ये देखिएगा ये नीचे जो भी चेन हमें दिखाई दे रही है ये हर चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे तो ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया देखिएगा और अब हम क्या करेंगे अब हम बनाएंगे लटकन तो आ जाएंगे हम उल्टी साइड में और अब लटकन बनाने के लिए हम मेज़रमेंट के लिए कुछ भी ले लेंगे ले ले, या तो हम निडल ले लेंगे या पेंसिल ले लेंगे ले, या फिर हम स्केल वगैरह ले लेंगे ले, मैं यहाँ पर ये निडल ले रही हूँ तो इस निडल की हेल्प से अब हम लटकन बनाएंगे वैसे मैंने आपको ये लटकन बनानी पहले भी बता रखी है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ तो देखिएगा कैसे बनाना है हमें इसे पहले हम यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और अब ये धागा हम इस नीडल से नाप लेंगे यहाँ पर इस तरह से ठीक है और अब हम इसको करेंगे डबल डबल करने के बाद पहले हम इन दोनों धागों को इस चेन के अंदर से निकाल लेंगे ठीक है तो ये दोनों धागे यहाँ पर सिक्योर हो गए आप क्या करेंगे देखिएगा ये धागे के अंदर हम फिंगर को डालेंगे इस तरह से और अब हम इसको घुमाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस ठीक है तो इतना ही हमें करना है बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा फिर हमारा धागा अब इस धागे को हम क्रोशिया में डालेंगे और ये जो हमारी चेन थी इसके अंदर से निकाल लेंगे ठीक है अब निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा रिवर्स में घुमाएंगे वैसे ये अपने आप ही घूम जाता है देखिएगा ये हो गया अब हम ये जो हमने डबल क्रोशिया बना रखा है ये तो हमारा कोने वाला था अब यहां पर हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे ठीक है ये मुझे थोड़ा दूर लग रहा है यहां पर मैं इसको पहले लॉक करती हूँ यह हो गया यहाँ पर यह लॉक हो गया अब हम अगला डबल क्रोशिया ये दो के बीच में एक सिंगल चेन पहले हम ले लेंगे अब अगर बहुत पास पास लटकन बनानी है तो दूसरी लटकन हम हर डबल क्रोशिया के बीच में बनाते चले जाएंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर बहुत पास नहीं बनाऊंगी इसलिए मैं एक यहाँ पे ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया लिया है एक छोड़ूंगी मैं यहाँ पर अब अगले वाले के अंदर जो ये वाला है यहाँ पर अब मैं दूसरा वाला लटकन बनाऊंगी ठीक है तो एक सिंगल क्रोशिया मैं यहाँ पर बीच में छोड़ती जाऊंगी। ये जो हमने डबल क्रोशिया की लाइन बनाई है इसमें एक हमें छोड़नी है और दो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा देखिए ये हमने ले लिया यहाँ पर अब इसको हम यहीं पे पकड़ के रखेंगे और धागे को हम नीडल से नापेंगे फिर हम इस धागे को यहाँ पर डबल करेंगे हर बार हमें नापना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो सारी लटकन है वो बिल्कुल बराबर बने यहाँ पर हमने दोनों धागों को सिक्योर कर दिया अब इसके अंदर हम उंगली डालेंगे ऐसे और अब इसे बराबर फर्स्ट में हम जितना रखेंगे ट्वेंटी फाइव रखेंगे या थर्टी रखेंगे उतना ही हमें सारी लटकन के अंदर बल देना है तो यहाँ पर भी अब हम थर्टी टाइम्स बल देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस आप इसको हम चेन के अंदर से निकाल देंगे अब इसे हम छोड़ेंगे और ये अपने आप से ऐसे घूम जाएगा ये देखिएगा ठीक है अब हम अगली चेन में आएंगे यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इसे हम छोड़ेंगे और अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे लटकन बनाएंगे तो इस तरीके से हमारी लटकन बन जाएगी बहुत पास बनानी है तो फिर बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है तो ये मैं सारी बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको तो ये देखिएगा ये लटकन बनके हमारी तैयार हो गई है तो इसमें हमारी वूल लगी है देखिएगा वन सिक्स ग्राम बहुत ही कम वूल में हमारा मफलर जो है ये बन के तैयार हो गया है तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय